हम पुलिस के दौरा गए, पुलिस ने उसे ढूंढा ना, जब हम गए नुक वहाँ पर नहीं चुगने वाले ना बताई नुक लाश पड़ी, जब हमने देखा पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार ने और उसे कुछ ऐसी चीज दी है उसमें कोल्ड ड्रिंक में मिला कर, तो उसे वहाँ उन्होंने मार कर डाल दिया। हम सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार। 4 तारीख को इंतजार और टोनाल हमारे घर पर आया, आने के बाद खालिद को लेकर गए, इन्हों का आओ कोल्ड ड्रिंक पिला के लाएंगे, नूनना करके रास्ते पे ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार ने और उसे कुछ ऐसी चीज दी है उसमें कोल्ड ड्रिंक में मिला के, तो उसे वहाँ उन्होंने मार के डाल दिया। हम उनसे खालिद को हमने पूछा उनसे, मन के भैया तेरे साथ हमारा भैया गया बता कहाँ है, कहने लगा नुके हमें नहीं कोई पता, हम तो अपने घर हैं। और जी हम फिर थाने में गए, हमने गुमशुदा की रपट करवाई, हमें इन लड़कों पर शक था, हमने कहा पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं सुनी। फिर हम जगह जगह, हम नंगला है एक नंगला, वहाँ गए नंगले में इंतजार की ससुराल है, वहाँ खालिद हमारा भैया उसकी बहू लिवाने गया था, वहाँ इंतजार कौन है? इंतजार वो है जिसने मर्डर करवाया हमारे भैया का, जो साथ में था मर्डर करवा गया। पड़ोस में रहता है आपकी? पड़ोस में ही रहता है, यहीं रहता है, खालिद के घर के दोहरे ही घर है उसका, खालिद हमारा भैया है। और जी वहाँ से ले जाके अपनी ससुराल में वहाँ पिटवाया उसे, वहाँ से हमारे भैया ने जाने कैसे कैसे फोन करा, हमने आके पुलिस के जोर से उसे नंगले से लाए, तो नंगले वालों ने इंतजार के ससुरालियों ने इंतजार की बहू रुकी हुई है। इंतजार ड्रग्स का काम करता था, चीज का काम ड्रग्स का, जो इंजेक्शन लगा के नशा करते हैं। तो मेरे भैया ने उसे कही नुका तू इस काम को करता है मेरे घर ना आइए, मेरे भैया से कहने लगा लास्ट बार मिलने, मेरा भैया जब आया उससे तो उन्होंने हमारे चला नुके यहाँ, हम पुलिस के दौरा गए, पुलिस ने उसे ढूंढा ना, जब हम गए नुके वहाँ पर नहीं चुगने वाले ना बताई नुके लास्ट पड़ी, जब हमने देखा तो आज उन्होंने 4 तारीख से लाश कब मिली आपको? आज मिली है लाश। कितने दिन बाद? वो 4 तारीख को गायब हो यार, आज क्या तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख को मिली है जी 11 बजे। पुलिस वालों से हमने रात के ही कहा हमारा भैया कहाँ है बताओ, पुलिस वालों ने कही क्रैम ब्रांच वालों ने ठा लिया, हम कह लगे जी नुके पता निकाल लो, नुके सुबह को 11 बजे लो पता लग जाएगा। और तो उन्होंने हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जने क्या पैसा भर दिया, जने क्या कर दिया, पुलिस उसकी लाश लेगी जब ठाक है, जब उन्होंने मार बजी, जब बता रहे नुके वो तो रेल की पटली पर कट के मारा है, और हमने देखा जब पुलिस वालों ने मार बजे ही नुके तो रेल के नीचे पता हुआ नहीं है, ये तो तुमने मारा सिर्फ, पुलिस वालों ने पता नहीं जब ही तो वे आंगे, तो बाद में जब लाश आने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, जब पुलिस वालों ने कही कही आंगे के नुके क्या नाम जी के नुके हमने मरवाया या हमने मारा नुके, पोस्टमार्टम तो हुआ होगा, पोस्टमार्टम होया है जी, अभी तो आए भी ना, पोस्टमार्टम तो हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन्होंने खून करा है उन वे पकड़े जावे, और खून के बदले खून है हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए, कम से कम खून चाहिए, हमें ये चाहिए कि इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मेरा तो बहन हुई इंतजार का तो वो दोस्त, इंतजार से पुलिस वाले उन्हें पकड़े, इंतजार से बुझा जो भी हुआ, इंतजार के साथ उसका हादसा हुआ, इंतजार बताएगा जब कोई बताएगा, मारा खालिद का भाई है और हमने उसका छोटा सा बच्चा, उसका इंसाफ चाहिए, मैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जब मर्डर हो गया और उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई, तो टोनाल की अम्मी और शेख चिल्ली के उस लोंडे के टोनाल के और क्या ना इंतजार के माँ बाप उसे तुरंत ही आज ही छुटाने के लिए चले गए। नो बताओ जी कैसे छुट सकते हैं जब उन्होंने मर्डर करा है, अभी तो वे भी कट्टे नहीं हुए जिन जिन्होंने मर्डर करे छुटाने के लिए, मेरा माल गया, अरे मुझे कुछ इंसाफ तो दे दो, अरे मुझे कुछ खबर तो दे दो, मेरा बच्चा गया, जिंदगी का देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा हमें ऐसा इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा भैया मारा हमें ऐसा इंसाफ चाहिए, हम भी खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है, दूसरे लोंडे को खतरा, दूसरे लोगों को किससे खतरा है,
सही खतरा हो रहा है, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे के भैया। जैसा आपने अभी परिजनों को सुना, इनके लड़के का मर्डर हुआ है मेरठ के समर गार्डन आयशा मस्जिद के पास की ये वारदात है, और कई दिन से इनका लड़का गायब था, आज उसकी डेथ बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम के बाद अभी डेथ बॉडी आने वाली है। परिजनों का आरोप है लड़के को मार दिया गया है, अब उसके भाई को और परिवार को भी धमकी दी जा रही है। जैसा कि हमने अभी आपको सुनाया इनके परिवार वालों को, और ये उस लड़के की वाइफ है, आप इनको सुने और इनका दर्द जाने। मैं कैसा करूंगी, मुझे इंसाफ दिला दो। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 8वीं साल चल रही। कितने साल का बच्चा आपका? 2 साल का। आप क्या चाहते हैं, कानून से क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए, इंसाफ मुझे। अभी पता भी नहीं है। इनके घर वाली जो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी है और एक बच्चा ये गोद में है। इनके तो घर बार भी ना झोपड़ी में रहेगा मेरी बहन की, और जब मैंने ढूंढने की कोशिश की था तो मैं तो मेरा आदमी जैसे कि आप सुन रहे हैं, इनका रो रोकर इंसाफ की मांग है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मुलजिम अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और बल्कि इनके छोटे भाई को भी धमकी दी जा रही है लगातार।